हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक आखिर ये है क्या। सो इट इज़ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये है क्या, ये विजिबल मैनिफेस्टेशन है यानी विजिबल सिम्टम है जो क्यों हो रहा है, एक साइक्लिक फिजियोलॉजिकल साइक्लिक वे में है और जिसमें क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है। अब आखिर ये यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, ड्यू टू शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर। इसमें शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम लेयर हो है, इसमें आउटफ्लो टू द वजाइना फॉलोड बाई विजिबल इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन। शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम लेयर हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द वजाइना, मतलब वजाइना से हमारे जो भी ब्लीडिंग और शेडिंग का है इंडोमेट्रियम लेयर का वो वजाइना से है। प्लस जो कि क्यों हो रहा है, इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन्स, क्योंकि जो हॉर्मोन्स हैं उनमें इंटरप्ले हो रहा है यानी कि वो बदल रहे हैं और उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम लेयर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है यूमेनोरिया। यूमेनोरिया का मतलब होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को यूमेनोरिया बोलते हैं और एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए का मतलब हो गया एब्सेंस। इसमें एक और होता है डिसमेनोरिया यानी डिफिकल्टी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की। सो एक एवरेज टाइम पीरियड जो होता है, मतलब जो एक फिक्स डेट होती है वो होती है 28 डेज, और अगर एवरेज में देखा जाए तो 21 to 35 डेज का एक एवरेज साइकिल होता है। देन आफ्टर ब्लड लॉस पर डे कितना होगा, पर डे होगा 35 ml, और अगर एवरेज देखा जाए तो 20 to 80 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है पर डे ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन वन ईयर दे आर टोटल 13 टाइम्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। सो अभी वो कैसे है, क्योंकि 28 डेज हो रहे हैं, पूरा कंप्लीट एक महीना नहीं ले रहा है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने में, इस वजह से एक साल में 13 बार होंगी। एज फीमेल ये कब से शुरू हो रहा है, एक नॉर्मल एज मानते हैं 15 to 45, यानी यहाँ पे मेनार्की शुरू हुई प्लस यहाँ पे हमारा 45 पे मेनोपॉज हुआ। सो एक एवरेज हो गया हमारा 30 ईयर्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स चलती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओवरी फर्टिलिटी, यानी कि ओवरी कितनी बार ओवा को फर्टाइल करेगी। सो यहाँ पे हमारा एवरेज निकला था 30 ईयर्स इंटू एक साल में 13 बार हो रहा है, यानी कि अप्रॉक्स 390 ओवा फर्टाइल होते हैं विद इन द जितना भी हमारा फर्टाइल पीरियड होता है एक वुमेन में 15 to 45 में, अप्रॉक्सीमेट 390 to 400 ओवा रिलीज होते हैं, फर्टाइल होते हैं। देन 12 to 16 ईयर्स होता है प्यूबर्टी पीरियड इन मेल और 10 to 15 होता है इन फीमेल। सो अब हम बात करेंगे HPO एक्सिस की। तो सबसे पहले जान लेते हैं HPO का फुल फॉर्म क्या है। H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी एंड O फॉर ओवरी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस सबसे पहले GnRH नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके फर्दर वर्क करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे जिससे रिलीज होता है FSH और LH। FSH है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन वो जाके वर्क करते हैं ओवरी पे और फर्दर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। सो इन सारे हार्मोन्स का और इन सारी चीज़ों का फर्दर जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसमें काम होता है, तो वो फर्दर काम का आएगा। ये HPO एक्सिस इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप फर्दर फॉलो होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, देन आता है पिट्यूटरी एंड देन आफ्टर आता है ओवरी। सो याद रखिएगा जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो FSH और LH को रिलीज़ करता है, और आगे की स्टेज आएगी जहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम आएगा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। सो प्यूबर्टी के आखिर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, सबसे पहला होता है थलार्की। थलार्की का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ये स्टेप बाय स्टेप हमारी स्टेजेस होंगी, इसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकती, स्टेजेस एक के बाद एक आएंगी। सबसे पहले आएगा थलार्की मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, देन एडेनार्की। एडेनार्की ए से समझ लीजिएगा एक्सिलरी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। देन प्यूबार्की, प्यूबार्की यानी कि प्यूबिक हेयर, डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक हेयर। उसके बाद आता है इंक्रीज इन हाइट, देन आफ्टर आता है मेनार्की। मेनार्की फिफ्थ स्टेप होता है हमारा, इसका मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द प्यूबर्टी, तो ये हमारी दो प्रॉब्लम्स होती हैं प्यूबर्टी से रिलेटेड, जो कि पहला हमारा होता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी,
प्री यानी कि पहले हो रही है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज होनी चाहिए 10 to 16, सॉरी 10 to 15। सो अगर 10 से पहले हो रही है तो वो हो गई प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी बिफोर 10 ईयर्स ऑफ एज। और डिलेड प्यूबर्टी यानी कि बाद में हो रही है, सो इसका मतलब हो गया प्यूबर्टी आफ्टर द एज ऑफ 16। सो ये हमारी दो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिसको हम कहें कि हाँ कि ये नॉर्मल क्राइटेरिया चल रहा है फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो सबसे पहले HPO एक्सिस शुड बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड। HPO एक्सिस है मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी का जो एक्सिस है वो परफेक्टली और एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। एक के बाद स्टेप्स जो है वो फॉलो होते रहने चाहिए और हमारे हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रियम शुड बी रिस्पॉन्सिव फॉर ओवरी हार्मोन्स दैट आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो हमारा एंडोमेट्रियम है वो रिस्पॉन्स करते रहे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? ओवरी से, मतलब ओवरी के जो दो हार्मोन्स हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एंड थर्ड हमारा पॉइंट आता है पेटेंट आउटफ्लो ट्रैक्ट विदाउट एनी एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब एक प्रॉपर आउटफ्लो ट्रैक होना चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब कि वजाइना से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन या एनोमली जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाए विद इन द यूट्रस। सो रिस्ट्रिक्ट अगर होता है तो वो कौन सी कंडीशन में हो सकता है? पहला हमारा वेजाइनल एट्रेजिया, एट्रेजिया का मतलब होता है नैरोइंग फॉर द वेजाइनल ल्यूमेन। दूसरा होता है वेजाइनल एजिनेसिस, एजिनेसिस का मतलब होता है कि प्रॉपर जो हमारा ग्रोथ है वेजाइनल ग्रोथ वो प्रॉपर नहीं हुई है, और इसकी वजह से जो कंडीशन बनेगी जिसमें कि ब्लड यूट्रस के अंदर डिपॉजिट हो रहा होगा उसको बोलते हैं हिमाटोमेट्रा। हिमाटो मतलब ब्लड और मेट्रा का मतलब जैसे यहाँ पे मेट्रियम लेयर्स होती है ऐसे मेट्रा है, ठीक है। सो ये कंडीशंस होती है जिसमें, यहाँ ये लिखा हुआ है कंडीशन वेयर मेंस्ट्रुअल फ्लोज मेंस्ट्रुअल ब्लड इज फिल्ड इन द यूट्रस। हिमाटोमेट्रा में जो ब्लड होता है वो विद इन द यूट्रस जो है वो भर जाता है।